पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका बयान जारी हुआ और उधर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लेकिन अब हम पहुंचे हैं इन तमाम तैयारी और बयान के बीच मध्य प्रदेश के गाँव में पहुँच रहे हैं। राजधानी भोपाल से सटे हुए हम गाँव में पहुँचे हैं और वहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है, क्या यहाँ पर तैयारी चल रही है वो हम जानेंगे। लेकिन इस समय देखें हल्की अब सर्दी, हालांकि पहले से कम है लेकिन अभी भी आज गांव में दोपहर के समय चौपाल का जो दौर लगातार जारी है और आधी धूप में और आधी छाँव में दोनों ही जगह हैं। ज़्यादा सर्दी नहीं है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो आधी धूप आधी छाँव देख पा रहे हैं चौपाल में। दादा आपका क्या हाल है? बढ़िया भैया, तुम बोलो। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? बोलो। क्या नाम है? मोहन सिंह। अच्छा मोहन सिंह जी, क्या लोकसभा चुनाव का जिक्र वगैरह है क्या गांव में? हाँ जो जिक्र है भैया, तुम बोलो यार। अच्छा, जिक्र है। आपका क्या हाल है? आप ये छाए में बैठे हुए, आप धूप में? अब आधी धूप आधी छाँव है साहब। चुनाव की तैयारी में लगे हैं जोरों शोरों से और बीजेपी की सरकार बनवानी है, मोदी को वापस लाना है। अच्छा। इस बार भी मतलब ऐसा क्यों साहब? इसलिए उनके सारे कार्य भी अच्छे लगे, जो सुविधाएं उन्होंने वो भी अच्छी लगी। किसान सम्मान निधि है, बराबर बिल्कुल टाइम पे मिल रही है। इससे और भी कई योजनाएं हैं जिसका हमें लाभ मिला है। हम बीजेपी सरकार से बहुत ऐसा तो नहीं आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? नहीं, मैं तो एक आम किसान, छोटा सा किसान हूँ इसी गांव का। अच्छा। कार्यकर्ता वगैरह हैं इसी गांव के, हैं कार्यकर्ता, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पर नहीं है। और लोग यहाँ पर हैं। दादा आपका क्या हाल है? बढ़िया है भैया, आप बोलिए। बढ़िया है। हाँ सब फर्स्ट क्लास। अरे आनंद मंगल, मोदी राज है इस वक्त। दादा प्यास बुझ पा रही है पानी से? अरे भैया मुझे नहीं आ बोल। चौपाल जा रही। आपका क्या नाम है? नहीं मैं नहीं बोल। हरी सिंह। क्या नाम? क्या हरी सिंह। आप वोट डालने जाते हैं? हाँ जाते हैं। क्या देख के वोट डालते हैं? पार्टी देखते हैं कि चेहरा देखते हैं? नहीं पार्टी देख के। पार्टी देख रहे हैं, सुविधाएं देख। ऐसे कौन कौन से काम है जो अभी बाकी है? अभी तो हमारे हिसाब से तो सभी है हमारे इधर। नहीं किसान बड़े सवाल उठाते हैं ना, किसान खुश हैं क्या? हाँ किसान खुश हैं। हैं पार्टी से तो खुश हैं किसान। अच्छा परेशानी कहाँ से? परेशानी अब मैं क्या बताऊँ, परेशानी की कोई बात नहीं है सर, इसमें परेशानी की कोई नहीं है। ये किसान जो है वो अपनी खूब फसल आनंद से ले रहा है, हर चीज की हर बात की सुविधा मिल रही है। तो लोग नजदीक है, जैसे आदमी भी नहीं मिले तो काम मशीन कर रही है, तो इस हिसाब से पहले से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री भी हमारा अच्छा है क्योंकि देश को अच्छे चला रहा है, उनकी हर तरफ से सरकार है और सब सुविधाएं मिल रही है किसान को, गरीब को, छोटे को, बड़े को, सबको साथ लेके चल रहे हैं। बढ़िया है, आनंद है। और 24 के लिए भी आगे मोदी को ही जिताना है। ये आपने ठान लगाया टिकट और किसी को मिल गया सांसद का तो? अरे ऐसा होगा क्योंकि अभी तो 80 साल होने वाले हैं, अब तो जब दूसरी तीसरी बार में बैठेंगे आगे, जबकि 33-34 की मतलब आगे का चल रहा है, तो अभी तो शुरुआत है। अभी तो मोदी कई साल बैठेगा क्योंकि इसका कार्य ही ऐसा है। तो देखें इस समय हम गांव में देखें और गांव में हम उन लोगों के बीच पहुंच रहे हैं जो किसी पार्टी से नहीं है और आम किसान हैं। तो फसल कैसी है इस बार? बढ़िया है, बहुत अच्छी फसल है। बढ़िया है, बढ़िया है। आखिरी में पर जो मौसम जरूर धोखा दे जाता है। अब वो दे तो ऊपर बारी की कृपा है, धोखो दे तो अभी ठीक है फसल। हाँ ठीक है, सबकी खाद वगैरह सब सही चल रहा है। कोई कमी नहीं है, दवाई मवाई डल कर रेडी है अब तो। अच्छा पूरी तरह से तैयार है? पूरी तरह से। आपका क्या हाल है साहब? सर बहुत बढ़िया है। बढ़िया, क्या नाम है आपका? कुबेर सिंह राजपूत जी। अब साहब चुनाव की तैयारी गांव में दिखने लगी है क्या?
देखिए जोर शोरों से तो नहीं, लेकिन मंदक मंदक चौपालों पे तो चर्चाएं चली रही है कि चुनाव में क्या होना है और क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं अपना खुद का बताता हूँ कि मैं एक अपने आप में मतलब किसान हूँ और भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि आने वाला जो बजट है वो किसानों को देखते हुए बनाए। जैसे अभी गेहूँ का MSP है, MSP ना देखे अपना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे किसान को उत्पादनों के रेट तय करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि लगभग ये पहुंचना चाहिए, गेहूं का रेट लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये क्विंटल। उसी तरीके से किसान के लिए मैं चाहूंगा कि जैसे एक गरीब व्यक्ति है उसके लिए 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड शासन ने दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसे शायद अपन स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड भी कहते हैं, तो वैसे ही किसानों के लिए भी 5 लाख तक की सुविधा हेल्थ के लिए होनी चाहिए, क्योंकि किसान तो बीमार पड़ता है ना। इसके साथ ही किसानों को मतलब यानी पाइप हुआ या ट्रैक्टर हुआ या खेती किसानी के बढ़ावा देने के लिए उचित सब्सिडी की सरकार व्यवस्था करनी चाहिए, और साथ में विगत 3-4 वर्षों से जो फसल बर्बाद हो रही है, फसल बीमा जो एक एक दो दो तीन तीन साल बाद आता है, उसका ऐसा प्रारूप करना चाहिए शासन को कि वो तत्काल 15 दिन के अंदर किसानों के खाते में आ जाए, जो सरकार सर्वे करके और उसका भुगतान कर दे, ताकि किसान अपना अगला फसल करने के लिए उसको वो हो जाए है। मतलब यानी कि आपने सारे सजेशन है एक साथ रख दिए पूरे। देखिए किसान है, पढ़े लिखे किसान है, आज के डेट में माननीय मोदी जी ने CM राइज स्कूल भी चला रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोदी पढ़े लिखे के साथ प्रगतिशील किसान भी है। प्रगतिशील तो देखिए वो आप लोग कह सकते हैं, हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की देन है। ठीक है, जैसे मोदी जी अपना कर्म कर रहे हैं, आज हमारे गांव में जैसे 22 तारीख के दिन बहुत ही हर्षोल्लास माननीय मोदी जी ने दे के रखा था रामलला प्रतिष्ठान का, आप देख रहे हैं हर मंदिर भगवा में हुआ और खजूरी कला भी भगवा में था, है और रहेगा। तो आप ही जो बातें कर रहे हैं, इतनी डिमांड्स रख रहे हैं, क्या इस पे कोई आपको लग रहा है विचार हो रहा है, कौन सी सरकार पूरी कर सकती है? देखिए निश्चित ही तौर पे विचार रखना है, विचार सबका स्वतंत्र अधिकार है कि अपना अपना विचार कोई भी रख सकता है। अच्छी बात है अगर माननीय मोदी जी के पास आपके माध्यम से हमारे विचार पहुंचे और एक दो अमल हो जाए तो बहुत खुशी की बात होगी, किसान हित में बात होगी। तो आप देख पा रहे हैं हम गांव में हैं, किसानों के बीच हैं और इस समय खेत पर जो चौपाल लगी हुई है वहां पर हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है अभी सर। पहले भी आए थे जब आपका खाद की समस्या थी। हाँ, खाद की समस्या। खाद महंगा हुआ, क्या हुआ था? नहीं, खाद कहाँ महंगा हुआ, खाद तो इस बार बहुत अच्छे से मिल नहीं, रहा है। पिछले बार जब हम आए थे मिल नहीं रहा था खाद, मिल नहीं रहा था खाद, मिल नहीं रहा था। इस बार खाद वगैरह ठीक है? इस बार बहुत अच्छा खाद, पहले ही मिल गया था खाद तो। अच्छा, ये बताइए कोई चुनावी दौरे वगैरह हो रहे हैं क्या गांव वगैरह में? नहीं, अभी कुछ नहीं दौरे कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो तो मोदी जी आएंगे ही। इस बार 400 पार होनी है। अच्छा, टिकट किसको मिले भोपाल से? अब ये पता नहीं, वैसे भी सांसद तो यहाँ पे इतने ज्यादा दिखते नहीं है, वो तो मोदी जी हैं कर रहे हैं, सांसद जी प्रज्ञा ठाकुर जी हैं, तो वो तो इतना दौरा उनका हुआ नहीं है। आप नहीं हुआ? कितनी बार आए होंगे आपके गांव में? नहीं, एक बार भी नहीं आई हूँ। एक बार भी नहीं आई? हाँ। तो कोई नाराजगी नहीं आपके उनके? नहीं, हमसे कहा उनके, मोदी जी इसके लिए है ना, बैठी हैं मोदी जी के चक्कर में। तो आपकी कोई डिमांड नहीं कि सांसद भी एक बार गाँव का दौरा कर जाए? हाँ, लेकिन आई नहीं ना, वो प्रचार के पहले भी नहीं आई, बाद में भी नहीं आई, देखा भी नहीं उनने, गाँव देखा ही नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो टिकट को लेकर आपके मन में क्या है? कुछ नहीं, वो तो जो भी है BJP के कैंडिडेट जो मिलेगा उसको वोट देंगे, जिताएंगे। किसको मिले टिकट जो गांव में तो आ जाए, ऐसे मिलना चाहिए क्या? हाँ, ऐसे आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन अभी देखते हैं, वो तो पार्टी करेगी क्या करती है, जो करती है पार्टी करेगी। साहब किसानों से बात कर रहे हैं हम, आपका क्या हाल है दादा? बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। कितने एकड़ के किसान हैं आप साहब? मैं 5 एकड़ का किसान। 5 एकड़ के? तो इस बार क्या है फसल में? फसल तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अभी जैसे ओलावृष्टि या पाला जो पड़ता था या इस टाइप की मौसम ही प्रकोप नहीं है फसल के ऊपर अभी, राहत नहीं है। और किसान को क्या सबसे ज़्यादा मौसम की मार पड़ती है? मौसम की मार पड़ती है, प्राकृतिक आपदा। कुछ सरकारों की भी मार पड़ती है। सरकारों की मार ऐसे पड़ जाती है कि किसानों को जो सामग्री खरीदना है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाता है,
समय पर खाद की व्यवस्था नहीं होती है। इस बार तो ठीक रहा, खाद समय पर मिला है। पिछली बार थोड़ा नहीं मिल पाया था खाद, लेकिन किसानों की अभी भी आज की कंडीशन में भी जो फसल है वो सही कीमत पे बिक नहीं रही है। नहीं बिक रही। और पहली चीज़ तो किसान का जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा है, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वो नीलाम हो रहा है। मतलब बिकना चाहिए उसको, वो नीलाम हो रहा है। मंडी जाओगे तो वहाँ भी नीलामी होगी, सब्जी बाज़ार जाओगे तो वहाँ भी नीलामी होगी। किसान का सामान बिकना चाहिए, जैसे किराने की दुकान पे किराने का सामान बिक रहा है, जैसे किसान का सामान फिक्स रेट है वहाँ पर। हाँ फिक्स रेट है, यहाँ पर किसान को किसी भी चीज़ का फिक्स रेट नहीं मिल रहा है, बोली लगती है। हाँ सरकार यदि तय कुछ कर देती है, मान लो एक MSP तय कर देती है, तो भी वो MSP तो किसानों के लिए उतना फायदेमंद तो नहीं है ना। अब जब जो है लोकसभा चुनाव है, इससे क्या उम्मीद है आपको? लोकसभा चुनाव में तो क्या है कि मोदी जी का ही आना तय है, और वो इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने किसानों को सम्मान निधि दी। जैसे किसानों की अपन बात करें तो किसानों के लिए जितना उनने सोच लिया है और किसी सरकार अभी तक सोच नहीं पाई है वो चीज़। उन्होंने सम्मान निधि के माध्यम से, चाहे और भी उनकी जो भी योजनाएं चल रही हैं, बीमा की योजना है किसानों की। आपको कौन कौन सी योजनाएं पसंद आ गई आपके सरकार की? केंद्र सरकार की तो देखिए जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसके द्वारा मतलब शायद 400 रुपये में उसका बीमा हो जाता है किसान का। बहुत अच्छी योजना है कि 400 रुपये दीजिए और आप अपने लाइफ का कवर ले लीजिए। ऐसी योजना है जो किसान को एक कवर दे रही है, पीछे से सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छी योजना है। और भी बाकी बहुत सारी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए योजना है, गरीब मकान दे रही है सरकार, मोदी सरकार गरीबों को शौचालय दिया है, बहुत अच्छी योजना है, गैस सिलेंडर दिया है। अच्छा एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए लड़े ना लड़े, जीत हार उसी की होगी जो समाज में काम करेगा, जो किसानों के हित में काम करेगा, जो मजदूरों के हित में काम करेगा और जो रोजगार के लिए बात करेगा। चुनाव लड़ने की बात कहना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं कह दूंगा साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे घर के पड़ोसी आके कह देगा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो क्या वो चुनाव जीत जाएगा? चुनाव होता है विकास पे। विकास अगर आप करोगे, विकास अगर किसी का करवाओगे, किसी का हित करोगे, तो आप चुनाव जीत पाओगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत बच्चा था उस समय, लगभग मेरी 18 साल भी पूरी नहीं हुई होगी, तो उस समय ये चुनाव लड़े हुए थे। उसके बाद ये आज तक मैं नहीं समझता कि भोपाल जिले में भी कभी किसी किसान के मुद्दे को लेके इन्होंने संसद या राज्यसभा में बात उठाई हो। तो उनके लड़ने ना लड़ने से लोकसभा पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, और मोदी जी ने इतने काम कर दिए किसानों के लिए, वो किसान को इतना सक्षम बना दिया है कि शायद ही अगर वो पूरे एक साथ खड़गे जी, जो शायद नाम मुझे नहीं पता, राहुल जी भी आके अगर वो लड़ ले यहाँ से अपना भोपाल लोकसभा चुनाव से, तो मैं नहीं समझता कि उनकी जमानत भी बच पाए। साहब आपका क्या हाल है? बस भाई साहब बढ़िया। आप बढ़िया हैं? क्या करते हैं आप साहब? खेती करते हैं भाई साहब। अच्छा किसान हैं? तो खेती बाड़ी सब बढ़िया इस बार? हाँ फसल तो बढ़िया है, बढ़िया इस बार बढ़िया फसल है। चुनाव में दिलचस्पी रखते हैं आप? हाँ क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि सरकारें जो बनती हैं ये तो किसानों से और मजदूरों से और जो मध्यम वर्गीय है अधिकतर इन्हीं लोगों से बनती है, क्योंकि उच्च वर्गीय व्यक्ति तो वैसे ही वोट डालने के लिए लाइन लगता ही नहीं है। तो आपके मन में है कभी चुनाव लड़ा जाए? नहीं ऐसा तो अभी अपने मन में कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं, हम तो बस ऐसे नेता को सपोर्ट करते हैं हमेशा, जिसने हमेशा किसानों के हित में सोचा है, भारत देश की जनता के हित में सोचा है। और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो पहली सरकार है। अभी जो अभी आपके गांव में कोई राजनीतिक दल या कोई नेता पहुंचा क्या लोकसभा चुनाव को लेकर? नहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन भाजपा का ऐसा कहा जाता है कि भाजपा 12 महीने साल भर चुनाव के मूड में रहती है, चाहे लोकसभा अभी विधानसभा चुनाव हुआ इसका लोकसभा आने वाले हैं, तो बैठने का काम ही नहीं भाजपा का। तो भाजपा के कार्यकर्ता, जैसे मैं भी कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। अच्छा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप? तो हम लोग हमेशा उसी क्या तैयारी है आपकी?
तैयारी कुछ नहीं है, जो भी जिसकी भी समस्याएं कुछ होती हैं तो उनकी समस्याएं सुनना, उनका समाधान करवाना, अपने स्थानीय पार्षद जी के पास भी जाते हैं समस्या लेकर, विधायक जी को बताते हैं, वो भी उनका हल करते हैं। बाकायदा अभी गांव में आप देखिए काफ़ी विकास हो रहे हैं, रोड नाली सड़कें सब बन रही हैं, और ये जो रोड दिख रहा है आपको ये 80 फीट रोड काम चालू हो चुका है इसका। अभी हमारे अब जरूर गड्ढे नहीं मिले हमको तो नहीं, देखिए अब काम जब रोड पे काम चालू हुआ तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ना खराब, जब इस पे डंपर जाएंगे वहाँ पे अभी आपने देखा होगा इलाहाबाद बैंक के पास में कि बहुत सारा मुरम डला है, तो कार्य प्रगति पर है ना, जब बन के तैयार हो जाएगा इसके बाद में आप देखिएगा रोड को कैसा रहेगा। रोड साहब भाई साहब रोड आप अवधपुरी रोड, अवधपुरी से आते हैं आप रोड में तो वो सेम डिज़ाइन का रोड है वो, मतलब पूरा लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ रहेगा अच्छा, बहुत इससे बहुत विकास भी होगा, गांव का विकास भी होगा, आजू बाजू जो कॉलोनी है उनको भी बहुत राहत मिलेगी, और विधायक जी खुद आगे रह के इस कार्य को देख रही हैं और जल्द से जल्द इस कार्य को करा रहे हैं। तो इस समय हम गांव में मौजूद हैं, यहां पर चौपाल जारी है और जरा गांव में आगे भी चलेंगे और वहां पर लोगों का हाल जानेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां यहां पर क्या चल रही हैं, लोगों के मन में क्या है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। इस समय हम गाँव में मौजूद हैं और एक दुकान के बाहर बैठे हुए हैं, लोग भी यहाँ पर हैं। दादा क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। क्या करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी। चुनाव में दिलचस्पी है कि नहीं है? है। तो क्या होने जा रहा है? तो कहना जल्दबाजी है, आप वोट डालने जाएंगे? पक्के में जाएंगे? आप वोट डालने जाते हैं कि नहीं? जी जाते हैं। जाते हैं, क्या देखते हैं? पार्टी देखते हैं कि किसे टिकट मिल गया उसका चेहरा देखते हैं? नहीं, विकास देखते हैं। दोनों ही चीज़ नहीं देखते, विकास देखते हैं ना जी, कि कोई भी पार्टी हो, वैसे तो बीजेपी कार्यकर्ता है लेकिन जो काम अच्छा करेगी उसको वोट देगी, उसके लिए काम करेंगे। और इस बार गांव में माहौल क्या है, कौन कौन नेता आ गए, क्या क्या सभाएं हो चुकी, ये अभी खाता ही नहीं खुला? नहीं, अभी कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? माहौल जमने लगा क्या चुनाव का, कि समय है अभी? नहीं, अभी समय है लोकसभा चुनाव में, अभी समय है और अभी कोई आया भी नहीं है। कोई नहीं आया? नहीं आया। राहुल गांधी यात्रा लेकर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी निकलेंगे? हाँ, उनकी यात्रा को तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई तो होगा मतलब, किस चीज की यात्रा है वो? न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, किस चीज का न्याय है? राहुल गांधी भोपाल आना चाहिए उनको? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो साहब गांव के लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। दादा आपका क्या हाल है? सर बढ़िया हाल है सर जी। बढ़िया है, करते क्या है हम? हैं खेती किसानी। खेती किसानी और क्या करें, बढ़िया चल रही है। बस बढ़िया चल रही है सर। आप चुनाव भी आ रहे हैं? हाँ। वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बीजेपी में। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो क्या? सभी जितने बैठे सभी वो ही है, है? बीजेपी वाले ही है समझा, जितने तो यहाँ पर कांग्रेस ही कौन है ये तो बताओ? कांग्रेस कोई नहीं है सर, कांग्रेस ही तो नहीं है, पार्टी देख के देते हैं वोट। पार्टी देख कर जी, क्या क्या और काम जो अभी तक नहीं हुए यहाँ होना चाहिए आपको लगता है, कि कुछ सजेशन है आपके मन में? सर अभी काम तो बेन से चल रहा है, वो क्या बोलते हैं, नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, पर ये पेंडिंग काम चल रहा है, अभी नया कोई काम नहीं चल रहा। तो नया काम क्या होना चाहिए आपके गांव? नया काम सर जैसे ये रोड है, ये पुलिया अभी पड़ी हुई है आधी टूटी है, उसमें निकलने की नहीं बन रही है। कब से टूटी हुई है पुलिया? यार वो तो अभी पिछले यानी 6 महीने पहले बनी थी, वो फिर टूट गई है। बनते ही टूट गई? और क्या, 4 महीने नहीं चली है, टूट गई है सब। ये चार ही चल रहा है, देख लो ना अब तो चल। अच्छा, हाँ सर, तो अभी बनी थी और टूट भी गई, देख लो अब तो चल के वहाँ। रिपेयरिंग का काम चल रहा है क्या? चल रहा है अभी? नहीं चल रहा, उस पर नहीं चल रहा, बंद पड़ी हुई है। कौन निर्माण कौन करा रहा है, एजेंसी कौन सी है? वो ओम पार्षद साहब। पार्षद जी करा रहे हैं? और कौन करा? तो पंचायत की है क्या? नहीं, नगर निगम। क्या नगर निगम से? जी नगर निगम से। कोई सवाल नहीं उठे इस पर कि इतने कम समय में टूटी है? नहीं सर, अब वो सवाल तो किसी ने उठाया नहीं है, यहाँ तक कि अब एक जना ये उठा नहीं सकता है, अगर पब्लिक जाए तो उठे सवाल, किसी को कोई मतलब नहीं है, जो निकलता है उसको मतलब है। आपस में गांव में बात करते हैं कि भाई यहाँ का कार्य करवाओ,
लेकिन कोई सामने जाता ही नहीं है बात करने के लिए। चुनाव में ये मामले नहीं आते क्या, सड़क पुलिया पानी सफाई? आते हैं सर, सब आते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं रहता है। बोलने वाला कोई नहीं जी। मध्य प्रदेश के गाँव में इस समय चौपालों का दौर सजा हुआ है और हम एक और गाँव में पहुँचे, यहाँ पर देखें कि चौपाल लगी हुई है, 64 चल रहा है साहब। क्या क्या है साहब, बढ़िया हालचाल है? बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल जी? चुनाव चल रहा है साहब जी। और 64 क्या कह रहा है साहब, आप शामिल है कि नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ शामिल। आप देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। अरे यार, सब खिलाड़ी है या? सब खिलाड़ी हैं यहाँ पर। अभी तो साहब चुनावी चौसर कैसा है गांव में? ये पर चीज पे मतलब चुनावी चौसर भी अब आने वाला है लोकसभा के चुनाव। तो अबे तो हम जाम में लगे भैया। इसमें लगे हुए सारे खिलाड़ी हैं गांव के? अरे हम जितने बैठे सब खिलाड़ी है। सब खिलाड़ी है, मतलब कोई भी किसी को भी शिकस्त दे देगा? हाँ बिल्कुल दे देंगे, उसी पे तो लगे, उसी पे लगे। कितने साल हो गए खेलते खेलते? नहीं अभी ज्यादा साल। कम समय में ही अच्छे खिलाड़ी हो गए। देखो सर, अब हमारे पास समय समय कुछ तो करना पड़ेगा, जैसा समय आ जाता वैसा ही हम आनंद ले लेते, भजन कीर्तन का, ताश का, चौसर का, और बाल बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का। अब चुनाव आएंगे तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अब हमारा दौर तो गया, अब तो नौजवानों का दौर है। वोट डालने जाएंगे दादा? वोट डालने जाएंगे। वोट तो हमारा फ्री है, 60 साल वालों को। 60 साल वालों का 60 से ऊपर है, कोई लाइन नहीं है, सीधा अंदर जाओ, वोट डालो, घर जाओ। अच्छी व्यवस्था हो गई है, व्यवस्था की। आप वोट डालने जाएंगे? जाएंगे। कौन, माहौल कैसा है गाँव में? बढ़िया है, माहौल में खराबी थोड़ी कुछ भी। अच्छा, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, आज कहा है उन्होंने? वो कुछ भी कहे, जिसे देना उसे देना ही है, अब उससे क्या, दिग्विजय सिंह हो, कोई भी हो, जी अरे कोई दूसरा होगा उसकी जगह, दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेगा चुनाव। तो गांव में ऐसा टक्कर नजर आ रही कि नहीं? कोई टक्कर नहीं है। नहीं है? नहीं। तो आप तो लंबे समय से अपने गाँव में देखते आए, कामकाज कितना हुआ है? कामकाज कुछ भी नहीं। अरे साहब कुछ नहीं हुआ, दिग्विजय सिंह ने भी सब उन्हें भगा के बिठा दिया। मैं कह रही हूं, मुझे भगा दिया अभी, बल्लभ भवन में नौकरी थी मेरी। अच्छा, क्यों साहब, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। तो गांव में जितना कामकाज होना थी हो चुका है? हाँ, हो रहा, चल रहा है, बढ़िया है, उमदा चल रहा है। संतुष्ट हैं आप? अब क्या करेंगे, नहीं भी करेंगे तो संतुष्ट होना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं करेंगे। अधिकार रहता है ना कि जब चुनाव में वोट मांगने आए? कोई अधिकार नहीं है। तब तो कम से कम कह दो कि साहब ये काम बाकी है। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बढ़िया, आनंद मंगल। बड़े संतुष्ट लोग हैं आप लोग हैं। नहीं होना चाहिए, बढ़िया काम चल रहा, ठीक है कामकाज जी। तो साहब भी होगा तो हम क्या करेंगे उसमें जी? हम आपसे बोल दें नहीं ये नहीं हो रहा तो क्या होगा? सरकार तक आवाज पहुंचती है? नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचती। अरे साहब, वोट तक सीमित हैं हम लोग, वोट डाले जयराम जी। नहीं नहीं साहब, देखिए आप वोट डालते हैं तो वोट के बदले में अपने शहर में, गांव में ये तो मांग सकते हैं ना कि कितना कामकाज हुआ है? कोई नहीं सुनता था, जो खड़ा होगा वो जिसको वोट देंगे कह देगा भाई हां कर देंगे, बस जीत के गए तो कोई नहीं आएगा, कोई देखने दर्द नहीं आता। जीतने के बाद कोई तो आया होगा आपके गांव में, इतने इतने सालों से पार्षद से लेकर विधायक सांसद आते सब हैं, बोलते हैं भैया ये नाली देख लो तो ये रोड देख लो, हाँ देख लेंगे हो जाएगा बस। और जीतने के बाद? जीतने के बाद ही तो बोलेंगे उनसे, और पहले बोलेंगे क्या? उसके बाद फिर काम होते हैं? नहीं होते हैं। वो ये अनुभव रहा है अब तक। तो साहब देखिए, हम गांव में पहुंचे हैं, लोग बड़े यहां पर संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, हालांकि लोगों का कहना है कि जितने काम होना चाहिए उतने काम नहीं हुए हैं, आश्वासन ज़रूर दिए जाते हैं लेकिन काम पूरे नहीं होते। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया बढ़िया। क्या कहेंगे गांव की तस्वीर को लेकर, कैसी है तस्वीर? गाँव देखो कितना सुंदर है, अयोध्या जैसा सजा है, और क्या चाहिए।
भगवान विराजमान हमारे यहाँ भी है राम जान की। हाँ, इस गांव में भी राम मंदिर है, वहाँ पर राम जान की विराजमान है। और क्या चाहिए, उससे बड़ा क्या है दुनिया, है कुछ? चुनाव आ रहे हैं साहब, अब चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना साहब, आप जो है गांव के लोग वोट देते हैं, मतदान करते हैं, अपना पसंदीदा नेता चुनते हैं। पब्लिक चूतिया है जो मतदान करवाती है, क्या होता है, नाश्ता पानी कराया, वोट ले लिया, उनके जो होना है वो तो हो ही गया है। ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सरपंची के चुनाव देखो आप, लठ बजते रात रात, लठ चलते है। अरे जिसकी सत्ता उसी की भैंस हो जाती है, और क्या, वो सरपंच बन जाते हैं और क्या। तो 5 साल क्या होता है, फिर वो ऐसे की वैसे ही जाते वहीं पहुंच जाते, और क्या, भैंस का गोबर उठाने। अब लोगों की जो तस्वीर है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, हालांकि हम तमाम गांव में पहुंचे हैं, गांव में बहुत कुछ बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है, ज़रूरत है, ऐसा गांव के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और निकलकर सामने आई है कि फ़िलहाल गांव तक जो चुनावी बिसात है अभी तक नहीं पहुंची है, जो चुनावी माहौल है अभी तक गांव में नज़र नहीं आ रहा है, हालाँकि गाँव वालों को पता है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।